तो हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है अपने चैनल में जिसका नाम है लेट्स हैक द प्रोग्रामिंग। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप कैसे अपस्टॉक से पैसे कमा सकते हो, वो भी 500 रुपये पर रेफर के, कि आपको पर रेफर के 500 रुपये देगी अपस्टॉक। तो मैंने उसके बारे में आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो ये वीडियो है कि आपने अपस्टॉक पे अकाउंट कैसे बनाना है। तो सर, अपस्टॉक का अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ही डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड करने के बाद उसकी क्या सारा प्रोसीजर रहेगा वो मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। स्क्रीन साथ के साथ चलती रहेगी, आप समझते रहना कि आपका अकाउंट कैसे बनेगा। तो सबसे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। 500 रुपये पर रेफर, जल्दी से जल्दी जितना हो सके उसको डाउनलोड कीजिए। चलते हैं हम वीडियो की तरफ। प्रोसेस गाइज मोबाइल से कर रहे हो तो आप डायरेक्ट जो ऐप है अपस्टॉक की वो डाउनलोड कर सकते हो और भी इजीली आप सब कुछ कर पाओगे। जैसे आप ऐप को ओपन करोगे गाइज तो आपको साइन इन का ऑप्शन रहेगा, उसके नीचे गाइज आपको क्रिएट अकाउंट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, पहला ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। तो जो भी ईमेल एड्रेस शुरू या फिर एक्टिव है वो डाल देना और अपना जो मोबाइल नंबर है गाइज वो डाल देना, ठीक है। फिर आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको जो ओटीपी है गाइज आ जाएगा, ठीक है। ओटीपी आने के बाद यहाँ पे फिर सेकंड ऑप्शन मिलेगा आपको, जो पैन कार्ड की डिटेल्स है और आपकी डेट ऑफ बर्थ है गाइस वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड का जो नंबर है वो डाल दो, फिर यहाँ पे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप डाल देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना। फिर इसके बाद आता है गाइस नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। पहले तो जेंडर डाल देना, मेल हो फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर है जो भी। फिर नेक्स्ट है गाइस मैरिटियल स्टेटस, अगर आप मैरिड हो तो मैरिड, सिंगल हो तो सिंगल, अगर अदर हो गए तो अदर भी डाल सकते हो। फिर नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है, आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड, तो आपका पॉलिटिक्स से कोई नाता वगैरह होगा तो यस कर देना, अगर नहीं है आप मतलब नॉर्मल हो तो फिर नो कर देना, ठीक है। फिर है गाइज नेक्स्ट ऑप्शन, व्हाट इज़ योर एनुअल इनकम, तो एनुअल इनकम जो भी होगी वो डाल देना। मैंने तो बिलो 1 लाख ही डाला है, जैसे स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स की इतनी ही रहती है, तो 1 लाख बिलो या फिर जो भी आपकी एनुअल इनकम है गाइज वो आप डाल देना, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ इनकम मतलब ये रहता है तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है सब कुछ, आई एग्री वगैरह कर देना, आई कन्फर्म कर देना, जितने भी टिक्स है गाइज वो टिक कर देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, ठीक है, किस किस चीज़ में आपको इन्वेस्ट करना है, इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन करेंसी एंड कॉमोडिटी, ठीक है। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड्स, शेयर और NSE BSE में शेयर में ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग वगैरह करना है तो इक्विटी को ही करिए। इसके अलावा गाइस यहाँ पे और ट्रेड ऑन MX, फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन के और भी ऑप्शन है, बट बिगिनर्स के लिए तो गाइस मेनली इक्विटी पे ही करते हैं जिसमें आपको सारे जो ऑप्शन वगैरह वो मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो मैंने भी इक्विटी ही किया था। तो अगर आपको और कुछ नहीं करना है, बस म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट में बस ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ही करना है तो आप इक्विटी पे क्लिक कर देना और बाकी को गाइस ऐसे ही रख देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको दो ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, एक प्रायोरिटी और एक बेसिक, ठीक है। तो बेसिक मैंने बेसिक किया था, ठीक है। बेसिक में आपको कम चार्जेस लगते हैं और प्रायोरिटी में थोड़े ज्यादा चार्जेस लगते हैं, बट यहाँ पे ज्यादा चार्जेस के साथ आपको जो एडवांटेजेस है वो भी ज्यादा मिलता है, बट मैंने तो बेसिक किया था, ठीक है। तो आप बेसिक कर सकते हो, अगर आपको एक्स्ट्रा और एडवांटेज चाहिए, मार्जिन वगैरह कम चाहिए, तो फिर आप प्रायोरिटी भी कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गाइस आपको जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। जो आपका IFC कोड है, जो आपका बैंक अकाउंट का पासबुक रहता है उसमें आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। IFC कोड डाल देना है, आपका जो बैंक अकाउंट का नंबर है वो डाल देना है, रिकन्फर्म कर लेना अकाउंट नंबर को। फिर अकाउंट टाइप कैसा है, सेविंग है करंट है, वो आपको चूज़ कर लेना है, ठीक है। तो ये सारी बातें चूज़ करने के बाद नेक्स्ट कर लेना। फिर नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है गाइस, आपको यहाँ पे साइन अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। तो एक वाइट पेज पे गाइस ब्लैक पेन या फिर ब्लू पेन से साइन रिटर्न करके जो गाइस चीज़ है उसको अपलोड कर देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है गाइस यहाँ पे इनकम प्रूफ फॉर FNQ एंड MCX, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था गाइस कि अगर आप इक्विटी पे क्लिक करते हो तो वो जो चीज़ है इनकम की वो ऑप्शनल रहेगी, अगर आप कॉमोडिटी को टिक करते हो तो फिर आपको यहाँ पे इनकम प्रूफ वगैरह अपलोड करना पड़ेगा। अगर इक्विटी करते हो गाइस तो ऑप्शनल है वहाँ पे, ठीक है, फिर वहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है इनकम प्रूफ वगैरह, ठीक है, उसको आप फिर स्किप वगैरह कर सकते हो, ठीक है।
फिर नेक्स्ट चीज़ है गाइज, आपको अपनी जो फोटो वगैरह है वो फोटो खींचना पड़ता है, तो एक सैम्पल फोटो के लिए क्लिक पिक्चर कर सकते हो, अगर सही आई तो अपलोड कर देने, या फिर वापस रीटेक वगैरह भी वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ है गाइज शेयर लोकेशन वगैरह, तो यहाँ पे क्लिक कर लेना, जो लोकेशन वगैरह गाइज वो शेयर कर देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है गाइज कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस, तो जो भी ईमेल एड्रेस आपने ऊपर डाला होगा वही ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देना, ठीक है, और गेट ओटीपी पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको ओटीपी मिल जाएगा, ठीक है। फिर वो ओटीपी डाल देना और उसके बाद गाइज आपको ये ऑप्शन मिलेगा साइन अप फॉर फ्री, तो इसको क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही आप साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करते हो, टर्म्स एंड कंडीशन अगर पढ़ना है तो गाइज आप पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे गाइज पूछा जाता है डू यू हैव योर मोबाइल नंबर लिंक्ड विद आधार कार्ड, तो ऑलमोस्ट सबके ही आधार कार्ड से मोबाइल लिंक रहता है, तो येस पे क्लिक कर देना, ठीक है। येस पे क्लिक करने के बाद गाइज कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ऑप्शन आता है गाइज ई साइन विथ आधार ओटीपी, ठीक है, तो आपको ई साइन करना पड़ता है, आधार ओटीपी मतलब आपका लिंक है, तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो इसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा ई साइन नाउ, ठीक है, तो ई साइन नाउ पे आपको क्लिक कर देना, यहाँ पे चीज़ें कैसे सब कुछ होती है वो भी लिखे, क्लिक ऑन ई साइन बटन, एंटर द ओटीपी रिसीव्ड ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल, मतलब सब कुछ वहाँ पे लिखा ही रहता है, जैसे जैसे आप करते रहोगे वैसे वैसे आपको सब कुछ समझते जाएगा, ठीक है। जैसे ई साइन करोगे गाइस सिक्योरिटी कोड आपको अपना जो भी मोबाइल नंबर या फिर ईमेल पे वहाँ पे मिल जाएगा, उसके बाद उसे सबमिट कर देना है, उसके बाद गाइस आपको जो अपना फॉर्म है वो देखने को मिल जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें सब कुछ चेक कर लेना और साइन इन नाउ कर देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट गाइस आपके सामने कुछ ऐसा पेज देखने को मिलेगा, यहाँ पे एंटर जो ओटीपी आपको आएगा, तो बहुत सारे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस गाइस बहुत सारे ओटीपीज वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, तो जो भी नंबर या फिर जो भी ईमेल आप डाल रहे हो तो उसका पासवर्ड वगैरह याद रखना, क्योंकि वहाँ पे आपको जो ओटीपीज वगैरह वो आ जाएंगे, ठीक है। तो वेरीफाई ओटीपी कर देना, जैसे ये वेरीफाई ओटीपी आप कर देते हो तो आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है गाइज वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज अप्लाई एप्लीकेशन सबमिटेड वगैरह स्क्रूनिटी इन प्रोग्रेस और अकाउंट एक्टिवेशन, ठीक है। तो एक दो दिन में, एक दो दिन बिजनेस आवर्स मतलब जो भी बिजनेस डेज रहते हैं मंडे से फ्राइडे के लेके, अगर आप मंडे को खोलते हो तो एक दो दिन में आपका जो अकाउंट है गाइस वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है गाइस, जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो अपने आप सब कुछ आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा गाइस कोई डाउट वगैरह रहा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा गाइस बाकी के जो वीडियोज है वो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, जैसे कैसे हम बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, शॉर्ट सेलिंग वगैरह, मतलब जितने भी बेसिक या फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सब कुछ आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। इसका मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया है कि कैसे सब कुछ चीज़ें करते हैं, तो अकाउंट ओपनिंग की ये प्रोसेस है, इसके बाद के जो भी प्रोसेस रहते हैं वॉच लिस्ट वगैरह कैसे बनाना सब कुछ, तो उसके भी वीडियोज़ गाइज आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, ठीक है। तो प्लेलिस्ट के जो लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा गाइज तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू अपडेट्स मिलते रहें।